फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किरण जायका। फ्रेंड्स, आज मैं मीठी मठरी की रेसिपी लेके आई हूँ। इसके लिए बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और बहुत ही कम समय में ये बन जाता है। इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। मीठी मठरी के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, 2 इलायची, इसे मैं चाशनी में ही डाल दूंगी, 1/4 कप घी है और 1.5 कप चीनी है। ये बनाना बहुत ही आसान है और झटपट ये बन जाता है। सबसे पहले हमें घी डालना है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए मिक्स हो चुका है, आप इस तरह से देख लें, मतलब इसमें का जो मोयन है वो बहुत ही परफेक्ट है। अब मैं इसे पानी से एक डो तैयार करूंगी। रोटी का डो से थोड़ा सख्त डो तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा ही पानी डालें। डो हमारा तैयार हो चुका है, अब हम इसे बेलेंगे और छोटे छोटे इसके पीसेस कट करेंगे। इसे मोटा बेलेंगे, किनारे से भी अच्छे से बेल लेंगे, इतना मोटा मैंने रखा है। अब मैं इसे स्क्वायर शेप दूंगी। तेल गरम हो चुका है, इसे लो फ्लेम में ही फ्राई करना है। तो मैं एक एक करके अच्छे से डाल दूंगी चारों तरफ फैला के। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। फिर हम इसे चाशनी में डालेंगे ठंडा होने के बाद। मैं उसी तरह एक और रोटी तैयार कर लूंगी मोटा और उसे भी स्क्वायर शेप में कट कर दूंगी। बीच बीच में हम इस तरह से पलट देंगे। ये ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। इस तरह से मैंने पूरा फ्राई कर लिया है और इसे 10 मिनट तक ठंडा होने दूंगी, फिर चाशनी में डालूंगी। अब हम चाशनी बनाएंगे। 1/2 ग्लास पानी है, 1/2 ग्लास पानी में मैंने चीनी डाल दिया है और इलायची भी। अब इससे 2 तार की चाशनी बनाएंगे। मीडियम फ्लेम रहेगा। अब हमें चाशनी चेक करना है। ये देखिए इतना मोटा तार हो रहा है।
इलायची निकाल देंगे। और मैं डाल दूंगी इसमें और इसे मिक्स करना है अच्छी तरह। अभी ये लिक्विड टाइप का दिख रहा है और बाद में ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा। अभी हम इसे मिक्स करते रहेंगे। देखिए ड्राई हो रहा है। इसे बहुत जगह पे खुरमा भी कहते हैं। ये देखिए बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, इसीलिए इसे लगातार चलाते रहना पड़ता है। ये मीठी मछली तैयार हो चुका है। देखिए इसे ठंडा होने के बाद एयर टाइट कंटेनर में आप रख सकते हैं।